कैसा लगा आपको व्लॉग में? मेरे चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है काल व्लॉग। काल व्लॉग भाई सब्सक्राइब कर दो सारे चैनल को। Hey guys, welcome back to our new vlog। तो guys, अभी सुबह सुबह उठा हूँ जस्ट, और अभी guys टाइम हो चुका है सुबह के 10 बज गए हैं। guys सुबह तो नहीं हुई अभी, 11 बज चुके हैं guys, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 11 बज चुके हैं। और अभी guys मैं उठा हूँ, और अभी यार मेरे को यार मतलब खाना भी बनाना है। यहाँ पे मैंने ब्रश व्रश तो कर लिया है, पर अभी मेरे को खाना बनाना है, क्योंकि guys डेली मेरा खाना सुबह आ जाता था, बट आज नहीं आया है, क्योंकि guys आज घर वालों को थोड़ा काम था, तो आज खाना भी नहीं आया इधर। तो आज गैस मेरे को खुद से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो गैस मैं भी सोच रहा हूँ कि मैगी बनाएंगे आज, देखते किस टाइप से हम मैगी बना पाते हैं। एंड यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने वाला है, तो गैस इतना मैं मैगी लेके आता हूँ, इतने लाइव स्टार्ट करेगा, बट इसको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि गैस वहाँ पे कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो इसको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो अभी गैस चलते हैं मैगी लेने के लिए। 11 बज चुके हैं और 11 बजे भाई मौसम देख सकते हैं आप लोग, भाई कितना सुंदर, मतलब आसमान पूरा साफ है, बिल्कुल क्लियर, और मेरे को मतलब बहुत ज़बरदस्त लगा यहाँ पे। तो आज महाशिवरात्रि भी है, और आज मैं सोच रहा हूँ कि आज हम मेले में जाएंगे, भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि, यहाँ पे कांवड़ी आते हैं जल चढ़ाने के लिए, मतलब बहुत दूर पैदल चल के ना वो अपने उस पे कंधे पे जल लेके आते हैं। तो चलो चलते हैं अभी यार, अपना गेट वेट खोल के जल्दी से जाते हैं, और पहले तो जाके हम यार मैगी लेके आते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपने को मैगी तो नहीं मिला, बट अपने को यप्पी नूडल्स मिल गए। तो ये मैगी होगी अपने पास, ये अपने पास चिल्ली हो चुकी है ग्रीन ग्रीन चिल्ली, और यहाँ पे प्याज, और ये अपने टमाटर, और ये कटोरे, ये चक्कू, और इनकी कटाई वटाई करके मिलते हैं आपसे। तो गाइस हमने सब कुछ काट लिया है, और इसे काटने के बाद अभी हम इसको बनाएंगे। और बनाने से पहले यार मैं आप लोग को बता दूं, मेरे पास सिर्फ यही एक भगोना है, और मतलब अभी यार आज मैं शॉपिंग करके आऊँगा, जिसमें गाइस मैं थोड़े बर्तन वगैरह लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल में तो हमारे पास यही है, और इसी के साथ अभी हमको मैगी बनाना पड़ेगा। तो शायद से इतना तेल काफ़ी है हमारी मैगी के लिए, तो इतना डाल लेते हैं, चलो सही है। इतना तेल डालने के बाद गाइस अभी हम इसको लगाते हैं आग के ऊपर। तो गाइस जल्दी जल्दी से इसको करते हैं स्टार्ट, एंड इधर पे भाई अपनी मैगी बनना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस मैगी बनाते हैं, एंड इधर पे यार आप लोग देख ही सकते हो, इधर पे भाई मेरे को मतलब इतना अच्छे खासे से सब कुछ चीज़ें करना नहीं आता, लेकिन गाइस फिर भी जो आता है उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के ना इसमें पानी में सही से डूब जाएगी फिर ये। तो गाइस फाइनली अपन मैगी बन चुकी है, एंड अभी जैसे नीचे उतारते हैं खा के, फिर अपन चलते हैं नहा धो के घर की तरफ, शिवरात्रि है, मेले में भी जाना है अपने को। इस चम्मच से खाई भी नहीं जाती यार। फाइनली हमने मैगी वैगी सब कुछ खा लिया, और मैं नहा भी लिया हूँ पूरा, मतलब अपने यहाँ पूरा फ्रेश हो चुका हूँ अभी। और गाइस अभी एक मेरा भाई आया है, मेरा मेरी बुआ जी का लड़का, तो आप लोगों को इसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा अभी, ठीक है, बट आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। तो मेरी बुआ जी का लड़का है, तो अभी हम जा रहे हैं शिवरात्रि पे। तो गाइस अपन फाइनली रेडी हो चुका है, और अभी अपने को जाना है, निकलना है, बस अभी अपन को शिवरात्रि पे जाना है, वहाँ पे महादेव जी के दर्शन करके आने हैं, तो अभी अपन निकल रहा है, बाकी अपन। तो भाई लोग फाइनली अभी हम चलते हैं अपने भाई डेस्टिनी की तरफ, जहाँ पे हमें अभी अपने मंदिर में जाना है, शिव जी के मंदिर में, एंड यहाँ पे अपने बाइक वगैरह लेके हम चल देते हैं। और अभी यार आप लोगों को रास्ते के कुछ व्यू देखने को मिलेंगे। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, यहाँ पे इधर ना मगरमच्छों को पाला जाता है, ठीक है। ये ना हरियाणा का ना सिर्फ एक ही है, मतलब यहाँ इससे अलावा यहाँ हरियाणा में कोई नहीं है जहाँ पे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, तो ये एक ही है। तो आप लोगों को दिखा देते हैं क्या सीन है इसका। तो वैसे इधर मगरमच्छ बहुत पड़े रहते हैं इधर इस लेक में ना, इस लेक में ना दूर दूर तक मगरमच्छ ही मगरमच्छ है, बट यहाँ पे यार गैस इसमें व्यू ही रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, तो गैस दिखाऊँ तो कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। तो चलो कोई ना, अभी हम चलते हैं, क्योंकि यार गैस टाइम भी बहुत कम है, बट आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मगरमच्छ के बारे में, मगरमच्छों के बारे में। गाइस काश यहाँ से मगरमच्छ दिख सके, बट आई थिंक यहाँ से बहुत सारे मगरमच्छ दिख रहे हैं गाइस, ये देख सकते हो गाइस आप लोग, ये गाइस देख सकते हो कितने मगरमच्छ हैं इधर भाई। तो मैंने आप लोगों को क्रोकोडाइल दिखाने की बहुत कोशिश की, बट यार आप लोग नीचे कमेंट करके बताना आप में से कितनों बंदों को दिखे हैं क्रोकोडाइल जो लेटे हुए थे। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, और आप लोग सामने मंदिर देख सकते हो, अंडोला वगैरह सब, झूला वगैरह सब लगा हुआ है, सबके सब भाई श्रद्धालु बने हुए हैं, और सबके सब आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो।
रात्रि है, मैं ऐसा था और मेरे को भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है ये। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मंदिर में, सामने मंदिर है, पूरा तगड़ा व्यू आ रहा है सामने का। और भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है ना इधर, रश ही रश है भाई, पैर रखने की जगह नहीं है इधर आस पास में। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं इधर पब्लिक, कितना सारा पब्लिक है इधर आस पास में। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चल। हाँ देव जी विराजमान है वहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पे ना हर बार ना गर्मियों में ना पूरा मतलब बंदे यहाँ पे नहाते हैं, बट अभी सर्दी है, अभी किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो पानी के अंदर उतर सके। तो आप लोग देख सकते हो गाइस। गाइस अभी हमको याद आया यहाँ पे ना महादेव जी की और पार्वती माता की ना एक ही मूर्ति है, दो जो कि दोनों से जुड़े हुए हैं वो। तो अपन वहाँ पे भी जाके देखते हैं क्या कुछ रहता है, चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं उसी मूर्ति के पास जिसकी मैं बात कर रहा था। आप लोग देख सकते हो भाई इस मूर्ति के अंदर एक बहुत ही खास बात है भाई। यहाँ पे सबसे पहले हम नंदी भगवान जी की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आप लोगों को वो मूर्ति दिखाऊंगा जो कि भाई इस मूर्ति को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है, बहुत ज़्यादा ये अच्छी देखने को लगती है। तो गाइस आप लोग देखो यहाँ पे शिव जी और पार्वती माता का दोनों का आधा आधा शरीर मिला हुआ है, मतलब आधी शक्ति मिली हुई है। और आप लोग को पता होगा कि नंदी भगवान के कान में अगर आप लोग कुछ मांगो तो भाई लोग वो जरूर पूरा होता है। तो भाई हमने भी एक विश किया, वो आप लोग को नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या विश किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे शिव जी की मूर्ति में आधा जो वो है शिव जी का है और आधा पार्ट है जो माता पार्वती का है, जो कि भाई बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। गाइस ये बच्चा बोला मेरे को कि पैसे दे दे, मैंने बोला कोई ना भाई तू सॉफ्टी खा ले कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिएक्शन देखते हैं क्या रहेगा, सॉफ्टी लेगा ओए उड़ा, क्या सा लग रहा है सॉफ्टी लेगा बता, खुश हो गया पूरा। अरे बता दो जा, अरे क्या सा लग रहा है, बोल बोल क्या सा लग रहा है तेरा सॉफ्टी खा के। सही सही नहीं यार, पूरा बता के जा यार, भाग गया देखो, देख सॉफ्टी लेके भाग गया। तो गाइस अभी फाइनली अपना काम हो चुका है, पूजा भी कर ली, खा लिया पी लिया सब कुछ कर लिया हमने, और अभी हम इधर से निकल रहे हैं। और ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा गाइस, एक घंटे के अंदर हम घर पे पहुंच जाएंगे। बाकी बीच का भी आप लोगों को दिखा दूंगा, एक घंटा लगेगा कम से कम हम लोगों को घर पे जाने के लिए। तो एक घंटे के अंदर अपन घर पे पहुंच जाएंगे। कैसा लगा आपको व्लॉग में? आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है काल व्लॉग। काल व्लॉग सब्सक्राइब कर ले जल्दी, इनको भी बोल दे सब्सक्राइब करने के लिए। काल व्लॉग इनको बोल दे सब्सक्राइब करें, ये भी देख के करते हैं और अभी अपने को निकलना है। पहले हम घर पे जाएंगे, उसके बाद अपने को 22 किलोमीटर और आगे जाना है। पूरा मजा आ गया जबरदस्त वाला ऑफी वाला। तो अभी घर पे चलते हैं बस जल्दी जल्दी में, अभी मैं कहीं पे भी नहीं रुकूंगा रास्ते में। तो गाइस अभी अभी फाइनली निकल चुके हैं अपने एरिया से, मतलब एरिया तो अपना ही है गाइस, हम आप दर्शन करके निकल चुके हैं अभी। और मेरे को नहीं पता वॉइस कैसे आ रही होगी, शायद विंड की वॉइस नॉइस आ रही हो, बट एडजस्ट करना गाइस। अभी हम निकल चुके हैं और अभी आप लोगों को सीधा मैं रूम पे ही मिलता हूँ, क्योंकि गाइस बीच में मैं व्यू बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी में निकलना है यहाँ से, बीच से अपना हेलमेट लेके और निकलते हैं जल्दी से। तो इस टाइम हो रहा है 7:58 और अभी बस सोएंगे, नहीं सोएंगे तो नहीं, पहले वीडियो एडिट करेंगे फिर उसके बाद सोएंगे। गाइस एक बात और बताता हूँ आपको, खाना मैंने घर पे ही खा लिया था, तो अभी यहाँ पे खाना वाना खाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम बाहर भी कुछ खा के आए हैं शॉप पे, आप लोगों को मैंने बताया था जैसे कि हम मेले में गए थे वहीं पर सब कुछ खा के आए हैं। तो अभी बिल्कुल मूड फ्रेश हो चुका है, बाकी सिर में दर्द हल्का हल्का है। बाकी वीडियो एडिट करते हैं और उसके बाद अपन सो जाएगा आराम से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय।